नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उषा की किरण पर। चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की अल्फा प्लस के बारे में, जो कि थ्री व्हीलर गाड़ी है महिंद्रा की। आइए हम गाड़ी को करीब से जानते हैं। गाड़ी की अगर फ्रंट लुक की बात की जाए तो यहाँ पे महिंद्रा का आपको लोगो मिलता है, जो कि गाड़ी को बहुत ही अच्छा लुक देता है। इसके बाद अगर हम सेकंड बात करें तो गाड़ी के हेडलैम्प्स आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी साइज के हैं। नाइट में अगर आप ये हेडलैम्प्स अगर चलाते हैं तो आपको काफ़ी एनर्जेटिक लाइट मिलती है। साइड लैम्प्स के साथ आप देख सकते हैं इसके कितने सुंदर साइड लैम्प्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके साइड ग्लासेस आप देख सकते हैं, ORVMs कितने ही प्यारी तरीके से गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद अगर आप विंडशील्ड की बात करें तो काफ़ी बड़ी साइज़ की है। VS6 का आपको ब्रांड मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वाइपर मिल रहा है जो काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं गाड़ी के टायर के बारे में अगर हम बात करें तो टायर जो है 10 इंचिस के हैं इसके। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं कैबिन की ओर। अब हम देखते हैं कैबिन में हमें और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है इस गाड़ी में। यहाँ पे अल्फा प्लस की ब्रांडिंग दी गई है और हैंडल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लॉक भी दिया हुआ है। उसके बाद हम डोर को खोलते हुए अंदर देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो आइए हम चलते हैं कैबिन की ओर। अगर हम यहाँ पे सीट की बात करें तो सीट हमें दिख रही है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट दिख रही है। इधर की साइड आपको बैटरी मिल रही है, पानी की बॉटल रखने के लिए आपको होल्डर दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं गाड़ी के कंफर्ट के बारे में। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ कि गाड़ी में कंफर्ट आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी स्पेस है गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो कंफर्ट काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। उसके बाद अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे एक लॉकर भी मिलता है, जिसमें आप अपना कुछ भी कीमती सामान रख सकते हैं, फ़ोन रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लाइट की बात करें तो गाड़ी में लाइट भी दी गई है, ताकि नाइट में आपको दिख सके अंदर क्या सामान रखा है क्या नहीं रखा है। हैंडल की बात करते हैं तो हैंडल में हमें क्या क्या मिल रहा है वो देख सकते हैं हम। यहाँ पे हमें ये इंडिकेटर मिल रहा है, यहाँ पे हॉर्न मिल रहा है, अपर डिपर है, जो सभी कंट्रोल आपका सारा हैंडल में ही रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैक साइड में थोड़ा सा जाते हुए, तो यहाँ पे हमें एक विंडो मिलती है जिससे हम हमारा जो भी मटेरियल है, हमारा जो सामान है, उसका हम ध्यान रख सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर हमने सामान नहीं भी रखा है तो हम एयर के लिए इस विंडो को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम गाड़ी को और डीप में जानते हैं, थोड़ा बाहर आते हैं। उसके बाद अगर हम इसके लोडिंग के बारे में बात करें तो कम से कम 1 टन तक का हम इसमें सामान कैरी कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इंजन पे आते हैं, इंजन की बात करें तो इंजन सिंगल सिलेंडर 597 cc एयर कूल के साथ आपको मिलता है, जिसका पावर 9 HP है और बेहतरीन टॉर्क के साथ आपको 23.5 Nm के साथ यह गाड़ी मिलती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलता है 10.5 लीटर का। उसके बाद अगर हम इसके माइलेज पे आते हैं तो माइलेज आपको मिलता है 28 से 29 किलोमीटर का। तो उम्मीद करती हूँ मैं दोस्तों कि मैंने आपको इस गाड़ी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। गाड़ी के अगर ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करें तो गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है 3,20,000 रुपये। आप कोई भी अपने नियरेस्ट सौम्य व्हीकल से इस गाड़ी को परचेस कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं ऐसे कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।